हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स पर एक क्वेश्चन बताना। इसमें इस क्वेश्चन में जो है आपको निकालना है ईच टर्म इन ए पॉलिनोमियल्स, फाइंड ईच टर्म इन ए पॉलिनोमियल्स। देखिए, आपका समय कम लेते हुए पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है? पॉलिनोमियल्स देखिए, पोली मीन्स होता है मेनी, बहुत से, और नोमियल्स होता है टर्म्स, माने मीन्स हुआ पॉलिनोमियल्स का मीनिंग होता है बहुत से टर्म्स। हिंदी होता है इसका बहुपद होता है, जिसमें बहुपद का मीनिंग होता है एक से अधिक पद, बहुत से पद मीन्स हुआ एक से अधिक पद। तो पॉलिनोमियल्स में देखिए बहुत से टर्म्स होते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें टर्म्स है, इसमें टर्म्स है, ये सब क्या है? टर्म्स हैं। अथवा फिर भी हम टर्म्स को कैसे निकालते हैं, है कि नहीं? साइन का भी ध्यान रखा जाता है। टर्म की चर्चा है तो टर्म जो है, टर्म आखिर क्या है, टर्म हम कैसे बनाते हैं? तो देखिए इसमें दो पार्ट होता है, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है पार्ट होता है कांस्टेंट, और दूसरा होता है पार्ट होता है वेरिएबल। दो पार्ट होता है, ये कांस्टेंट पार्ट, ये वेरिएबल पार्ट। कांस्टेंट पार्ट ये उसको हम कह सकते हैं नंबर पार्ट, यानी नंबर होता है, कोई ना कोई नंबर होगा, अंक होगा। वेरिएबल पार्ट में जो है क्या होगा, सिंबल होता है, इंग्लिश लेटर, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो है, ये गुणा से, दोनों के बीच क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है। जैसे हम लेते हैं, जैसे कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट हम हो गया नंबर पार्ट, हमने लिख दिया जैसे टू इन टू, और ये हम सिंबल ले रहे हैं जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या होगा, एक्स ले रहे हैं। तो इसमें दो पार्ट हो गया, देखिए ये एक टर्म बना, ये नंबर पार्ट कांस्टेंट हुआ और ये वेरिएबल हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या है, दोनों के बीच क्या है, गुणा है। दोनों मिलकर क्या बना, एक टर्म बना। ये भी देखिए, अगर हम लिखते हैं केवल एक्स लिखते हैं तो एक्स भी क्या है, एक टर्म है, लेकिन ये सिर्फ वेरिएबल दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वन इन टू एक्स, यानी वन को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स को वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा। तो इसमें भी हो गया, दोनों पार्ट हो गया, ये वेरिएबल पार्ट हो गया, ये कांस्टेंट पार्ट हुआ और ये वेरिएबल पार्ट है। अगर हम लिखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं दो लिखते हैं, तो दो लिखे हैं, ये भी एक क्या है, टर्म है। इसमें देखिए वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू इन टू एक्स के पावर, क्या लिखे, जीरो। अब x का पावर जीरो, किसी चीज़ का पावर जीरो होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, वन। जैसे मान लें कि देखिए टू एक्स का पावर जीरो है, तो हमने क्या लिख सकते हैं, टू इन टू, इसका वैल्यू कितना हुआ, वन हुआ। तो ये टू इन आएगा, तो टू टू भी क्या है, एक टर्म है जिसमें दोनों पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है टू, और x का पावर जीरो जो है, ये x क्या हुआ, ये वेरिएबल पार्ट हो गया। तो ये टर्म हुआ, तो टर्म में क्या होता है, दो पार्ट होता है, कांस्टेंट यानी नंबर पार्ट और एक वेरिएबल होता है। दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाता है, एक टर्म बनाता है। अब देखिए, हमको इसमें जो क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको टर्म्स लिखना है, इसमें टर्म्स कितने हैं और कौन कौन सा टर्म है, इसमें हमको लिखना है। देखिए, अगर कोई भी टर्म के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो साइन क्या होता है, प्लस होता है। अगर प्लस नहीं होगा तो लिखा रहेगा। अब जैसे देखिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। आइए इधर देखिए, यहाँ माइनस दे दिया है, इसका मान ही होगा कि इसके पहले साइन क्या है, माइनस है। अगर ये नहीं दिया रहता तो इसके पहले क्या होता, प्लस होता। तो अगर साइन नहीं दिया है तो मीन्स हुआ उसके पहले क्या है, प्लस है। तो वो साइन को लेकर चलिए। अब देखिए, एक देखिए यहाँ प्लस है, हमने इसको ले लिया तो ये एक वो टर्म हुआ, ये साइन के सहित हम ले रहे हैं तो क्या हुआ, दूसरा टर्म हुआ। आ एक क्या हुआ, इसको भी जो है प्लस को हम साथ में ले रहे हैं, ये तीसरा टर्म हुआ।
तो क्लॉज को लिखा नहीं जाता है, हम टर्म्स अगर लिखते हैं, टर्म्स कौन कौन सा है, तो ये हो गया प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो प्लस को नहीं लिखा जाता है, तो लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर। ये भी तो क्या है प्लस थ्री एक्स, तो क्या होगा, हमने लिख दिया थ्री एक्स, तो ये क्या है थ्री एक्स लिखें, लेकिन इसके पहले क्या है साइन क्या होगा प्लस होगा, ये भी क्या हुआ एंड फोर, तो इसका मानी हुआ कि इसमें कितने टर्म्स है, इसमें थ्री टर्म्स है, हम लिख देते हैं थ्री टर्म्स। अब आइए इसको देखिए, अब इसका देखिए, इसके पहले साइन क्या है प्लस है, तो ये इसको पूरा ले लीजिए, प्लस फोर मीन्स हुआ फोर एक टर्म हुआ। वाई स्क्वायर के पहले क्या है माइनस है, तो पूरा सिंबल हम ले लेते हैं, देखिए ये साइन के साथ हम ले लिए, तो ये क्या हुआ माइनस वाई स्क्वायर क्या है एक टर्म हुआ। तो जो साइन है साइन को लेकर चलिए, प्लस है तो उसको छोड़ दीजिए, प्लस फोर है तो फोर लिख दीजिए, लेकिन यहाँ देखिए हमने साइन को इंक्लूड किया है इसमें, तो माइनस वाई स्क्वायर क्या है एक टर्म है, तो इसमें दो टर्म्स हुआ, कौन कौन सा टर्म्स होगा, टर्म्स है इसमें एक है कौन सा फोर, और ये दूसरा क्या हो गया एंड माइनस वाई स्क्वायर, इसमें आपको दो टर्म्स हुआ। आइए थर्ड में देखिए, इसके पहले प्लस है तो एक ये टर्म हुआ, देखिए ये जो टर्म है इसके पहले क्या है साइन है माइनस, माइनस को साथ में लीजिए, दूसरा टर्म हुआ माइनस एक्स दूसरा टर्म हुआ। अब यहाँ देखिए इसके पहले माइनस है तो दो साइन को भी लीजिए, तो ये तीसरा टर्म हुआ, तो इसमें टर्म्स आपका मिला, ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस तो लिखते नहीं, तो हम केवल लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हुआ दूसरा टर्म माइनस एक्स, और तीसरा टर्म हुआ एंड माइनस सेवन, ये आपका हो गया थ्री टर्म्स। लास्ट आइए देखिए, इसके पहले माइनस साइन है तो साइन को साथ में लीजिए, ये हुआ एक टर्म, इसके पहले प्लस है तो बहरहाल ये आपका हुआ, हम तो लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, फोर एक्स स्क्वायर लिखना ही क्या है उसके पहले क्या है प्लस है, नहीं लिखा जाता उसके पहले प्लस है, इसको भी साइन सहित ले लीजिए, एक ये टर्म हुआ, और इसमें भी जो है साइन जो माइनस है उसको भी इंक्लूड कीजिए, तो ये क्या हुआ एक टर्म हुआ। तो इसमें टर्म्स कितने मिले, चार मिलते हैं टर्म्स, इसका हुआ एक हुआ माइनस एक्स क्यूब साइन सेट लीजिए, ये प्लस फोर एक्स स्क्वायर, तो केवल हम लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर, ये है प्लस सेवन एक्स, तो केवल लिखेंगे सेवन एक्स, एंड लास्ट ये है देखिए साइन सेट लिखे, चूंकि माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस टू, तो ये आपका कितना हुआ फोर टर्म्स हुआ। सेकेंड मेथड जो है हम बता रहे हैं टर्म निकालना, सेकेंड मेथड एक इससे आप निकालिए, साइन को इंक्लूड कर दिए, जो भी ले रहे हैं हमने साइन को ले लिया है, जो टर्म है उसके पहले जो साइन है वो पूरे को ले लेते हैं, तो आपको टर्म निकल जाता है, ये तो बहुत आसान है। अब देखिए सेकेंड मेथड जो है, अगर प्लस है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टर्म्स के बीच में माइनस प्लस है तो हमको जो है उसको इस तरह हम एडजस्ट करते हैं कि सॉल्व करने के बाद, ये अगर इसको एडजस्ट करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इतना आ जाए, जैसे हम चेंज करते हैं इसको चेंज करेंगे। एक हम बताते हैं सेकेंड मेथड से, थर्ड हम बता रहे हैं, थर्ड है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन, हम इसको लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर साइन अपनी जगह प्लस है, यहाँ लिखते हैं देखिए प्लस हमने लिखा, ये लिख दिया माइनस एक्स, तो प्लस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
यहाँ फिर प्लस हम देकर क्या लिख रहे हैं, माइनस सेवन लिख रहे हैं, बात वही है। देखिए प्लस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ऑलवेज माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया प्लस, हमने ऐड कर, देखिए माइनस को हमको जो है प्लस में लिख कर हम इस तरह लिखेंगे, सॉल्व करने के बाद यही आ जाए तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स अपनी जगह पर और प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस और सात अपनी जगह, यही आ गया। अब इससे देखिए एक ये टर्म मिला, दूसरा जो है ये टर्म मिला, तीसरा ये टर्म मिला, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे भी अगर आप चेंज करके इस तरह आप करके आप लिखते हैं तब भी आप टर्म निकाल सकते हैं। टर्म्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है माइनस एक्स, देखिए इसके बाद क्या है एंड क्या है माइनस सेवन, इसके बाद की यही एक टर्म है माइनस सेवन, तो इसमें कितना होगा, तीन टर्म्स। तो ऐसे भी एडजस्ट करके आप टर्म्स को निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।